गुड मॉर्निंग अगेन, देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि इकोनॉमिक्स कितनी तरह की होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जनरली दो ही तरह की इकोनॉमिक्स है जो आपने देखा है, एक 11th में पढ़ी है और एक आप 12th में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो जो वर्ड है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो, जो वर्ड है वो भी इससे आया है, माइक्रोस से। ठीक है, माइक्रोस, ये भी ऑल्सो ग्रीक वर्ड है। ऐसी मैक्रो जो वर्ड है वो भी माइक्रोस से आया है, वो भी ग्रीक वर्ड है। ठीक है, दोनों ये जो वर्ड हैं वो ग्रीक वर्ड है। ठीक, एक इकोनॉमिक्स आपने 11th में पढ़ी है, दूसरी आप 12th में पढ़ोगे। तो माइक्रो का मतलब है स्मॉल, छोटा, यानी जब भी हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, हम स्मॉल थिंग्स की बात करेंगे, स्मॉल चीज़ों की बात करेंगे, लाइक जैसे कि इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड के बारे में बात करेंगे, एक इंसान का बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, हाउ टू टेक डिसीजन टू बाय अ थिंग, टू बाय अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक इंसान क्या सोचता है किसी चीज़ को लेते वक्त, सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी चीज़ के प्रोडक्ट के प्राइस, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाए तो डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मार्केट में फ्रूट्स हैं, एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलें एप्पल और बनाना, अगर हम उसमें से हम बनाना की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दें तो एप्पल पे की डिमांड पे क्या असर पड़ सकता है और बनाना की डिमांड पे क्या असर पड़ सकता है। जनरली जो हमने 11th में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, डिमांड विल डिक्रीज एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। दैट मींस क्या है, जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और एक्सेप्शनल केसेस अलग हैं तो वो डिस्कस हम यहाँ नहीं करेंगे, वो अलग पार्ट हो जाएगा 11th का। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब भी हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम बात कर रहे हैं, आप दिमाग में सोचिएगा, हम किसी बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया के सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लार्ज कंसेप्ट, क्या है लार्ज कंसेप्ट, क्या है ये स्मॉल कंसेप्ट, मैक्रो क्या है स्मॉल कंसेप्ट, स्टडी एज ए होल, जब भी हम बात करेंगे सबकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके जो पेपर होते हैं तो होल सिलेबस आता है तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। जब हम पूरा सिलेबस आपको देते हैं प्री बोर्ड के अंदर या बोर्ड के अंदर तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। जब हम कोई PA1 लेते हैं या PA वगैरह लेते हैं या कोई टेस्ट कंडक्ट करते हैं क्लास के अंदर तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, स्मॉल पार्ट हो गया। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी ओवरऑल इंडिया के अंदर कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है और वो किस तरीके से चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है पूरे इंडिया के अंदर, ये भी इज पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, महंगाई कितनी है पूरे इंडिया के अंदर, वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। मॉनेटरी पॉलिसीज, RBI हाउ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द रेपो रेट एंड बैंक रेट एंड अदर मॉनेटरी पॉलिसीज, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिस तरीके से RBI जो है महंगाई को और मंदी मार्केट को यानी डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है, किस तरीके से वो बैंक रेट को रेपो रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करके कंट्रोल करता है, यानी जब भी हम बात कर रहे हैं एज ए होल पूरे इंडिया की बात करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। थैंक यू।